वाराणसी में बीएचयू के छात्रों का धरना जारी। छात्र हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का कर रहे पाठ। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में अल्पसंख्यक प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर आक्रोशित है छात्र। 22 नवंबर शुक्रवार को पूर्व छात्र आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे धरने का 16वां दिन। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में अल्पसंख्यक प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर आक्रोशित है आई। छात्र कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नेतृत्व धर्म गुरुओं ने किया था छात्रों का समर्थन। सनातनी गुरु कल धरने में हुए थे शामिल। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी हुई है प्रशासन और छात्रों के बीच। न वो कुछ स्पष्ट करने के लिए तैयार है और उनके स्पष्ट न होने से हम भी किसी स्पष्ट निर्णय पर जाने से मजबूर हैं, न जाने की स्थिति में बने हुए। लिखित देने की भी बात आई थी, हाँ दे देंगे तो सर्वोत्तम है। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या लगता है? दे देते तो शायद बेहतर होता, अब तक ये समस्या समाप्त हो चुकी है। कौन सा दबाव उनके ऊपर काम कर रहा है? ये तो चूंकि उनके ऊपर दबाव काम कर रहा है, हमसे बेहतर वो जानेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों का दबाव है जिसके कारण वो कुछ लिखित देने में असहज महसूस कर रहा है। भ्रष्ट नियुक्ति हुई है हमारे विभाग में, मामला उसी का है। आज जो 10 दिन 15 दिन से दिखा रहे हैं, मीडिया इस मामले को मिसगाइड कर रही है। मामला सीधा सा है, भाषा का मामला नहीं है। भाषा पर सभी का अधिकार है, हर कोई हर भाषा को सीख सकता है। हम भी कहते हैं हम भी उर्दू फारसी अरबी सब कुछ पढ़ सकते हैं, पर हम इस्लाम को कबूल नहीं कर सकते, हम इस्लाम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। बात सीधी सी है, वो हमारे धर्म को नहीं मानते, नहीं जानते, वो हमें हमारे धर्म के विषय में क्या बताएं? जिस व्यक्ति की हमारे धर्म में आस्था नहीं है, क्या वो हमें हमारे धर्म के विषय में अच्छी प्रकार से बता सकता है? आप जिस पर बिलीव नहीं करते हैं, आप जिस पर विश्वास नहीं करते हैं, आप क्या उसका गुणगान कर सकते हैं? बात सीधी सी, और कोई बात नहीं है, कोई वो नहीं है किसी धर्म का, किसी मजहब का। धरने का कौन सा दिन है आज? आज धरने का 15वां दिन है। मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे सिर्फ इतनी सी हैं कि सर्वप्रथम तो वो नियुक्ति बर्खास्त की जाए, और आज तक जो प्रशासन नहीं कर पाया, अर्थात उसकी कुछ स्थिति जांच करवाई जाए, किस तरह से क्या हुआ। घोटाले भी हैं क्या? नियुक्ति में घोटाले अवश्य है। जब नियुक्ति में एक व्यक्ति को 10 में से 10 दिए गए, बाकी उसके साथ जितने भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, उनको किसी को 0, किसी को 1, किसी को 2, क्या साफ नहीं झलकता? ये कॉइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एक ही जगह का अभ्यर्थी है, एक ही जगह के स्पेशलिस्ट आए, HOD भी उसी जगह के पूर्व अध्यापक रहे, ये कॉइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। एक दो लोग हो सकते हैं, समझदारी चाल है, ये सोची समझी चाल ही हो सकती है।